नमस्कार, शिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम एक स्कर्ट बनाएंगे जो 11 या 12 साल की बेबीज की है, लड़की की स्कर्ट है ये हमारी, ठीक है। ये हमारा ब्लू है और ये वाइट है, इनका कॉम्बिनेशन करके एक कली इसकी और एक कली इसकी काटेंगे, ठीक है। ये कली हम बनाएंगे 4 की और 7 की, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है, पहले वाइट में से काट लेंगे। यहाँ से हम कली लेंगे 4 और नीचे लेंगे हम यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे लेंगे 4 और फिर यहाँ पे लेंगे हम 7, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, पहले हमने ली 4, अब लेंगे यहाँ पे हम 7 और फिर हमारा ये बच गया। अब इसको मिला देंगे अच्छे से, ऐसे इसको मिलाएंगे ऐसे एक बार बीच में मार्क करके और स्केल से मिला देंगे। ये वाली मिलाएंगे ऐसे ऐसे बीच में एक बार निशान कर देंगे, मार्क करके इसको मिलाएंगे। अब ये है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 करना है। यहाँ पे हम 4 करेंगे ऐसे और इसको भी मिला देंगे। अब इनको हम काट देंगे, अलग अलग कर लेंगे सब कलियों को ऐसे। ये हमारी कलियां व्हाइट की तो हमने काट ली, अब ब्लू की भी काटेंगे ऐसे जैसे हमने ये काटा है ऐसे ही काट लेंगे। ये अपनी हमने कलियां काट के तैयार कर ली हैं, अब इनकी हम सिलाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने जो कलियां काटी है ना इनको हम अटैच करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये हमारी एक तो प्रिंट की होगी और फिर हम एक ले लेंगे प्लेन, ये व्हाइट की, ठीक है। व्हाइट और ये हमने मिक्स करके ऐसे लगाने हैं। सारी कलियों को एक ये और एक ये करके अब हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे पूरी ये अपन जो कलियां थी वो अटैच कर ली हैं, ठीक है। अब इस पे हम ऊपर बेल्ट चढ़ा देंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसकी हम बेल्ट बनाएंगे ऐसे, इसको काट बीच में से काट के ये हमने पट्टी ली है 4 इंच की, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे ऐसे, ये सीधा ऐसा और ये भी सीधा ऐसे, ये पार्ट हमने ऐसे रख के इस पे सिलाई लगानी है। ऐसे ही पूरे घेर में सिलाई को लगा लेंगे। पल्स लेंगे,
ये ऐसे हो जाता है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक पैर की दबाव देंगे ऐसे, ये हमारी सीधी साइड है ना, इसी के ऊपर ऐसे दबा देंगे ये। पूरे गियर पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारी रबड़ है, कमर है 26 की और अब हम देखेंगे रबड़ है हमारी 20 की। ये हमने बच्चे की है तो 6 इंच कम कर दिया है, देखिए ठीक है, कमर के हिसाब से डलती है, ये बच्चे की 6 इंच कम कर दी है, और बड़े की होती तो ये 9 इंच कम करते हैं बड़े की कमर में। अब इसमें जो हमने ये सिलाई लगाई है ना, इसके अंदर ये रबड़ डालनी है ऐसे, पैन से या किसी भी चीज़ से हम इसको अंदर डाल देंगे ऐसे। ठीक है, ये रबड़ डाल ली और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने ये रबड़ डाल दी, यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी और यहाँ पे भी लगा देंगे, दोनों साइड में इस पर हम सिलाई लगा के ऐसे इसको। देखिए इसको खींच के इक्वल कर देंगे, हो गया इक्वल। अब ये सिलाई यहाँ से नीचे तक लगाएंगे, इसको अटैच कर देंगे। ये है बिल्कुल सिंपल स्कर्ट बनाने का तरीका है, जो बिल्कुल सिंपल है, इसमें रबड़ में भी कुछ नहीं है, लेफा बनाया और ये डाल दें। सिलाई लगा देंगे पूरे में, लंबी सिलाई। अब ये नीचे से फोल्ड कर देंगे, ये हमारा नीचे का जो घेर है ना, इस पे फोल्ड करेंगे ऐसे करके, इसको एक पैर की सिलाई लगानी है। नीचे के घेर में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ठीक, ये हमने लगा दी सिलाई पूरे गियर में अपनी। अब हमारी स्कर्ट सिल के तैयार है। ठीक, ये हमारी स्कर्ट हो गई तैयार। ये 11-12 साल की लड़की की स्कर्ट है, बिल्कुल आसान तरीका है, और बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं। ये हो गई हमारी स्कर्ट बन के तैयार, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।